अटैक को रोकेगा, और जैसे हम इसको रोकेंगे तो हमारा जो राइट हैंड है हम उसे पंच करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको उसके नोज पर, आईज पर या थ्रॉट पर करना है, तो आपका जो पंचिंग एक्शन होगा ये पीछे जैसे आप गए, और यहाँ से जब सीम में आएंगे तो आपका आर्म्स इसको ऐसे शिफ्ट करेगा, उसके पंच आगे जाएगा। ये ऐसे करके जब आपकी एक्सटेंशन होगा पूरी आर्म, तो ये आपके फेस पर, चिन पर, जहां मानना चाहेंगे, और वापस आप फिर ऐसे ही आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपके मूवमेंट्स कैसे होते हैं। जैसे आपने ये पंच बनाया, इसके एक्शन सामान्य तौर पर ये होता है कि आप आगे 45 डिग्री हम लेके आते हैं इसको, ऐसे करके नीचे से हम मारे ऊपर की तरफ, गर्दन उसकी उठ के जाए। चिन पर मारेंगे तो गर्दन उसके ऊपर जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ मारा जाएगा तो मेरा ये चेहरा इस टाइप से मूव करेगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है। सिमिलरली अगर मैं अपनी मान लीजिए मेरी नोज पर मारा जाएगा, तो यहाँ से अगर ब्लीडिंग होने लगी तो ऑब्वियस बात है मैं परेशान होऊंगा, और हो सकता है कि मैं बेहोश भी हो जाऊँ। ऐसे केस में जब भी आप अटैक करें, ध्यान रखें पूरी पावर के साथ करना चाहिए आपको, और कोई उसमें दया की गुंजाइश नहीं होती। क्लियर? तो पंचिंग का जो मैंने एक्शन आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, आप जहां तक समझ गए होंगे। साइड में अगर मैं बात करूं तो साइड में जैसे मेरा ये हाथ इस टाइप से आएगा, ये मेरा ये हाथ आपको विजिबल है, जस्ट लेट मी जस्ट दिस वन। हाँ, अब आप उसको बेंड करें, आपकी फिंगर्स को फिस्ट बनाएं और थंब को इस पर रख लें। क्लियर? ये आपका पंचिंग हो। इसके बाद आप इस पंच को सीधे लेके जाएंगे तो ट्विस्ट करेगा आपका ये। जब ये ट्विस्ट करेगा तो यहाँ से पूरी पावर आपकी एक्सटेंड होगी रिस्ट के माध्यम से, जो कि सीधे अपोनेंट के आपके सीधे लगेगी। तो आपकी पूरी पावर शोल्डर से लेके आर्म से ट्रांसफर होगी, आप ट्रांसफर मोमेंटम होगा आपका जो है, ट्रांसफर ऑफ फोर्स का जो होगा आपका। क्लियर? तो इस टाइप से आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए जो घर पर आप करेंगे, फिस्ट बनाए उसके बाद एक्शन आप ये वाले एक्शन आप करें, सामने जाएगा ये, सामने रिस्ट आपकी घूमेगी और आप ऐसे एक्शन आपके होने चाहिए। ये आपको काउंटर में क्या है कि कोई बंदा भी हो सकता है, आप दीवार के सामने खड़े होकर के थोड़ी दूर से आप ऐसे प्रैक्टिस, शैडो प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं, और मिरर के सामने आप कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने से आपके मूवमेंट्स में जो है रिफाइनमेंट होगा कि आपको कैसे एंगल आपका आना चाहिए। टारगेट आपका हमेशा अपोनेंट का फेस होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिए आप। मैं एक और स्क्रीन शेयर करूंगा सर अभी, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं फिर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दीपक सर मेरी स्क्रीन नहीं आ रही क्या? नहीं सर, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर। आपकी स्क्रीन दिख तो रही है लैपटॉप की। अच्छा, लैपटॉप वाली दिख रही है मेरी। हाँ, लेकिन फाइल ओपन नहीं हुई है अभी। एक मिनट सर, एक मिनट। एक बार मैं दोबारा से इसको करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आ गए सर। जी सर, जी सर, थैंक यू। ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये
ड्रैगन अकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट की है, जो कि हम लोगों को ट्रेनिंग के टाइम पर उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है और वही मैं आपके सामने रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ इस कंटेंट को। आप देखेंगे कि कैसे इसमें ग्रिप के बारे में उन्होंने बताया है और आगे चल के कुछ बेसिक मूवमेंट्स पर उन्होंने काम किया है। प्लीज ये ग्रिप के बारे में बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कैसे आप पंचिंग के लिए बनाई जाती है फिस्ट आपकी। देखिए जो मैं भी आपसे बात कर रहा था वही एंगल उन्होंने बात की है। ये अंगूठा इन्होंने रखा फिंगर्स के ऊपर, ये आप एंगल देख सकते हैं उसका है। इसको आप देसी भाषा में जैसे हम घुसा कहते हैं यानी इंग्लिश में पंच कहेंगे, ये उन्होंने उसको शो किया। ये सिमिलरली आपने सामने हाथ किया, ये आपने फिश मानी और आपका जो है ये आपका पंच तैयार हो जाता है। अब आप इससे अपनी देख सकते हैं कि इतनी पावर आपकी फिंगर्स के बीच में होनी चाहिए जिससे वो दबे नहीं। ये आपका डेमो है पंच का, कैसे आप अटैक करेंगे। फ्रंट व्यू आपके पंच का ऐसा आना चाहिए। आप यहां देख पा रहे हैं कि आपकी एल्बो और ये पूरा स्ट्रेट है, एक लाइन में है, जिससे कि पावर ऑफ जो ट्रांसफर होगी वो प्रॉपर होगी, पावरफुल फोर्स आपकी जनरेट होकर इंप्लीमेंट होगी। दूसरों पर कैसे प्रयोग किया जाएगा इसके बारे में आप ये चर्चा कर रहे हैं। पैरों को शोल्डर के बराबर खोल लें आप, जिससे कि आप कंफर्टेबल पोजिशन में आप आ जाए अपना स्टांस। अब ये देखिए पंच बनाया आपने, रिस्ट को कैसे रखा है साइड व्यू में। लॉन्ग ब्रीथ ली आपने, सांस भरी अंदर, ये पंचिंग प्रैक्टिस आपकी। फ्रंट व्यू है आपका कि आप कैसे सामने की तरफ लेके आए उसको, ये स्पिन किया और इसका एंगल फ्रंट में आएगा आपके। शोल्डर लेवल पर आपका आ रहा है पंच, आप देखेंगे शोल्डर की लेवल इसकी है जिसको हम कहते हैं ये शोल्डर लेवल एक स्ट्रेट आ रहा है। ये दूसरे हैंड का, इसमें क्या है देखिए अब रिस्ट यहां चेंज हो गई, उसके एंगल देखिए आप, ये फोर आर्म वाला एंगल आ गया है और ये आपका डाउनवर्ड है इसमें आर्म आपकी जो है। ये आपको प्रैक्टिस के मूवमेंट की वो बात कह रहे हैं, ये देखिए अब आप ये साउंड के साथ, जिससे कि आपको जोश महसूस होना चाहिए और से हमारा एग्जर्शन जो एंगर है वो इससे रिफ्लेक्ट होता है, इसके साथ ट्रांसफर होता है। इसलिए हमेशा जो भी प्रैक्टिस करें साउंड के साथ करें। स्टांस इन्होंने चेंज किया है, आगे पीछे की पोजीशन की हुई है, देखिए ये वन पर, आप देख सकते हैं किस टाइप से एक्शन इस पच्ची द्वारा दिखाया गया। अभी तो अभी आपने देखा जो हमने बेसिक की बात की थी, कैसे आप अपना पंच बनाएंगे, फिश कैसे बांधेंगे, पंच के रूप में कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे और बेसिक जो मूवमेंट्स है कैसे आर्म्स आपकी आनी चाहिए, ये अभी आपने देखा। और इस बेसिक मूवमेंट को आज आप घर पर प्रैक्टिस करें तो जिससे कि आपका फ्लो बनेगा कि आपकी एक्चुअली मूवमेंट कैसा होना चाहिए। जब आप इस बेसिक मूवमेंट को सीख जाएंगे तो आगे के जो स्टेप्स हैं, जो लर्निंग स्टेप्स हैं, वो बहुत इजी हो जाएंगे। तो मैं ऐसे उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपको ओवरऑल ओरिएंटेशन के रूप में सारी जानकारी आपके सामने आ गई है कि हम क्या करने वाले हैं। और शुरुआत के तौर पर आज हमने बिल्कुल बेसिक मूवमेंट से स्टार्ट किया है कि कैसे आप फिस्ट और पंच का बनाएंगे, उसके बाद उसका कैसे मूवमेंट होंगे,
मैं समझता हूँ कि इसको आप आज रेगुलर शाम को प्रैक्टिस करें, और किसी को अगर दिक्कत हो तो कल जब हम शाम के सेशन में होंगे, यानी ट्रेनिंग सेशन में होने को, तो मॉर्निंग सेशन भी होंगे, मॉर्निंग सेशन क्योंकि व्याख्यान माला है, लेक्चर सीरीज है, तो उस समय आपके डाउट का हम पूरा निराकरण करेंगे। और अगर किसी छात्रा को कुछ और इस मामले, अब तक इस मामले में पूछना चाहे आज के सेशन के बारे में, तो हमसे पूछ सकती है, अपना रेज हैंड करें, हैंड रेज करें तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे इधर से, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई पूछना चाहे क्वेश्चन, किसी की क्वेरी हो। मेन बात यह है कि आपको कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए और आपके पास पावर होनी चाहिए, फिजिकल पावर आपके पास होनी चाहिए। तो आज के सेशन में प्रशिक्षण के मामले में मैं समझता हूं कि आज हम यहीं अपने आप को रोकेंगे, कल हम इससे आगे की क्रियाओं में संलग्न होंगे। और क्योंकि ये सेशन दो पार्ट्स में डिवाइड है, प्रशिक्षण फर्स्ट पेज में, उसके बाद आपको एक टॉक भी आपको करानी है, तो मैं सभी अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी मेरे सामान्य साथीगण हैं, सभी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने पेशेंसफुली सबको देखा। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप सबके लिए कंट्रीब्यूटली और फ्रूटफुल रहेगा, और ऐसे ही हम लगातार अगले 4-5 दिन तक कंटिन्यू रहेंगे, तो अंत तक आते आते हमको सारी जानकारियां जो कि हमारी लाइफ में काम आएंगी वो असेंबल हो जाएंगी हमारे पास, हमारे नॉलेज बैंक में। तो दीपक सर आप आगे, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप सभी छात्र छात्राओं ने और सभी हमारे साथियों ने सुना, डॉक्टर चारक सर के अनुसार आज बालिकाओं की आत्मरक्षा के जो गुण प्रशिक्षण सिखाए गए उसमें बहुत ही जो महत्वपूर्ण चीज है वो है तन और मन। तन का मजबूत होना जितना आवश्यक है उससे कहीं ज़्यादा मेरे अनुसार मन का, इच्छा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे देखा ऐसा गया है कि आपकी अपनी यदि कुछ आपके साथी के साथ यदि दुर्भावना बस कुछ कार्य कर हो भी रहा होता है तो आप उसको छोड़कर आगे चले जाते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई नहीं, हमारे संग नहीं हो रहा है, जब होगा तो देखेंगे। तो मन, इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है ताकि उसका विरोध कर सके और अपना और अपने साथियों का बचाव कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमने और हमारे छात्र छात्राओं ने सभी ने इस विषय को सुना होगा और जरूर इस पर अमल करने का प्रयत्न करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज के इस द्वितीय सत्र में आगे की जो कार्यक्रम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और इसमें एक व्याख्यान माला का भी आयोजन होना है, जिसके लिए SS कॉलेज शाहजहांपुर से इंग्लिश डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना जी को हम आमंत्रित करते हैं, जो आज के विषय के जो विषय है वो है महिला सुरक्षा में नैतिक मूल्यों की भूमिका, जिस पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। और हम उम्मीद करेंगे कि सभी छात्र छात्राएं, सभी सहपाठीगण हमारे इस विषय पर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना मैम। धन्यवाद दीपक सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है मैम, बिल्कुल आ रही है, आ रही है। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले तो जितने भी आदरणीय जन उपस्थित हैं यहाँ, सभी को मेरा सादर नमस्कार है और सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भी मैं देना चाहूंगी। जिस समय में ये शक्ति सप्ताह जो है वो शुरू किया गया है, जो महिलाओं की सुरक्षा को समर्पित है, जो सरकार की तरफ से एक मुहिम शुरू की गई है, और इसकी वजह हम सभी जानते हैं कि ये एक ऐसा दौर चल रहा है जिसमें एक महामारी से तो हम जूझ ही रहे हैं, और ये तो अभी कुछ समय पहले से शुरू हुई महामारी है जिसे हम COVID-19 के नाम से जानते हैं, लेकिन एक एक वृत्त जो कहते हैं रुग्ण मानसिकता जो है, जिसकी जिस तरह की महामारी को हम बहुत लंबे समय से झेलते चले आ रहे हैं, कह सकते हैं कि प्राचीन काल से झेलते चले आ रहे हैं, जो कि है महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध। तो शायद ही ऐसा कोई एक समय रहा हो जो महिलाओं ने अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस किया हो।
और ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है कि हमने प्राचीन काल से लेके अब तक बहुत सारे विकास किए, लेकिन इस दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो हम और पिछड़ते ही चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति जो हमारी मानसिकता है, सिर्फ हम पुरुषों की मानसिकता को दोष नहीं दे सकते यहाँ पे, इंक्लूडिंग जो महिलाएं हैं वो भी महिलाओं के प्रति उतना अच्छा भाव नहीं रखती हैं। अगर वो एक महिला किसी समस्या में है, जैसा कि अभी दीपक सर जी ने भी ये बात कही थी, तो आप बहुत कमी ऐसा देखने को मिलेगा कि उसे अपने आसपास के एनवायरनमेंट से जो है वो सपोर्ट मिले। जब कोई भी महिला इस तरह के अपराधों का शिकार होती है तो ज्यादातर हम ये देखते हैं कि दो खेमे बढ़ जाते हैं एक तरह से, और आजकल तो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा चलन भी है जहां हम देखेंगे कि दो तरह के खेमे बट गए, और एक ऐसा खेमा है जो निरंतर ये प्रयास करता रहता है कि कैसे ना कैसे हम इस बात को साबित कर दें कि जो भी अपराध हुआ है एक महिला के खिलाफ, कहीं ना कहीं वो महिला, वो बालिका, वो छात्रा स्वयं उस चीज के लिए जिम्मेदार है। तो कभी हम उसके व्यवहार को, कभी हम उसकी अनभिज्ञता को, कभी हम उसकी वेशभूषा को एक अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं और कहते हैं कि ये वजह थी जिस वजह से ये अपराध हुआ है। यानी कि पीड़ित भी वही है, और कहा जाता है कि स्वयं को पीड़ित करने की जिम्मेदार भी वही है। और इसके पीछे जो एक मानसिकता है कहीं ना कहीं वो ये कि बहुत बेहतर तरीके से हम जानते हैं कि एक जो गलत व्यक्ति है उसको शायद समझाना बहुत मुश्किल है, और बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं क्या कहा जाता है कि अरे छोड़ो वो तो है ही बदतमीज, तुमको क्या करना, तुम बच के चलो। तो वो जो एक मानसिकता जो हमारे साथ चलती चली आती है वो अभी तक खूब अच्छी तरीके से फल फूल के एक ऐसा बड़ा बरगद वृक्ष बन गई है जिसमें ये कहा जाता है कि जो सुन रहा है, जो आपकी बात मान रहा है, आप उसी को और सुनाओ और सिखाओ। तो जो हमारा जो एक प्रोटेस्ट करने का जो एक मादा है जो, तो वो अपराधी के खिलाफ उतना जो है पावरफुल, उतना शक्तिशाली हो ही नहीं पाता है। और जब अपराधी को लगता है कि मेरे सपोर्ट में भी लोग खड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो ये महसूस करता है कि नहीं, मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया, क्योंकि आधे लोग अगर उसके सपोर्ट में हैं तो कुछ लोग मेरे सपोर्ट में भी हैं। तो ये एक जो स्थिति आती है इसकी वजह क्या है, अगर हम इसके मूल में जाके देखें तो महिलाओं के खिलाफ बहुत तरह तरह के आप देखेंगे अपराध होते रहते हैं, चाहे वो रेप विक्टिम्स हों आप देखेंगे, चाहे वो डाउरी की वजह से, दहेज की वजह से वो प्रताड़ित की जा रही हैं, कहीं पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। तो अगर आप ये सारी चीजों को देखते हैं तो आप क्या महसूस करेंगे, जो इसके मूल में अगर हम जाकर देखें तो कहीं ना कहीं एक संवेदनहीनता की स्थिति जो है वो नजर आती है। जो व्यक्ति में एक संवेदनशीलता होनी चाहिए वो हमें नजर ही नहीं आती। जो व्यक्ति अपराध कर रहा है महिलाओं के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ, वो कैसा हो जाता है, संवेदनहीन हो जाता है, सेल्फिश हो जाता है। उसे सिर्फ ये महसूस होता है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, इसका जो भी परिमार्जन है वो हमें क्या इसका रिजल्ट मिलने वाला है। अगर वो खुश है तो ठीक है, बाकी जिसके साथ जो हो रहा है, जो वो महसूस कर रहा है, उसको होने दिया जाए। और इसकी वजह ये भी है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को एक वस्तु की तरह जो है वो ट्रीट किया जाता है। बेहतर हो कि हम उन्हें देवी जी के स्थान पे ना रखें, उन्हें इंसानों की तरह ट्रीट करें। हम ये माने कि अगर हम उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, हम उनके साथ हिंसक हो जाते हैं या उनके ऊपर बल का प्रयोग करते हैं, तो वो बिल्कुल वैसा ही महसूस करेंगी जैसा एक पुरुष महसूस करेगा, उसका भी आत्मसम्मान है। तो ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी, क्योंकि ये सारी चीजें हमें कभी सिखाई नहीं गई। जो चीजें हमने बचपन से सीखी हैं वो ये सीखी हैं कि लड़कियों को जनरली जो चीजें सिखाई जाती हैं वो क्या सिखाई जाती हैं कि आपको धीमे बोलना है, आपको शांत रहना है, जो लड़कियों के मौलिक गुण हैं। और अगर आप जोर से हंस देती हैं तो क्या, किस तरह बदतमीज लड़की हो जो तुम इस तरह से हंस रही हो। तो तमीज और बदतमीजी की जो सीमाएं हैं या अच्छे और बुरे की जितने भी विचारधाराएं हैं वो सारी किसके लिए, ज्यादातर घरों में जो है वो लड़कियों के लिए सीमित कर दी जाती हैं। तो लड़के कभी ये सीख ही नहीं पाते हैं कि सही और गलत क्या है। तो ये निश्चय ही एक नैतिक शिक्षा का मामला है बिल्कुल पूरी तरीके से, क्योंकि नैतिक शिक्षा वो शिक्षा है जो आपको सिखाती है सही और गलत क्या है। कि अगर हम इंसान हैं तो हमें इंसानों के साथ प्यार से रहना है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने आपके एक महिला है या सामने आपके एक पुरुष है या सामने आपके कोई बलवान है या कोई कमजोर है।
बेसिकली नैतिक शिक्षा हमें क्या सिखाती है, आदर्श तरह से रहना सिखाती है। और अगर हम पूरी तरीके से आदर्शवादी नहीं बन सकते हैं तो कम से कम एक मॉन्स्टर में तो ना परिवर्तित हो जाए, जैसे कि आजकल लोग होते चले जा रहे हैं। जो विभत्सता हमें देखने को मिलती है, अपराधों की संख्या में तो बढ़ोतरी हो ही रही है, साथ में जो उसकी प्रकृति है वो इतनी विभत्स हो रही है कि समझ ही नहीं आता है कि क्या इंसान इंसान रह गया है या वो शैतान में परिवर्तित हो गया। यानी कि कहते हैं ना, महिलाओं को देवी बनाया गया और पुरुष ने स्वयं को शैतान बना लिया, यानी कि राक्षस। ठीक है, तो जो बीच की एक कैटेगरी थी, जो इंसान होने वाली कैटेगरी थी, वो कहीं खो गई। इंसान बनना और इंसान होना जो हम हैं वास्तव में, वो हम कहीं ना कहीं भूल गए। और ये चीजें हमें कहाँ से आएंगी? ये चीजें जनरली तो हमें कहीं से सीखनी नहीं चाहिए, इंसान में अपने आप से ये चीजें निर्मित होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या वजह है, या हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है कि ये चीजें हमारे भीतर से नहीं आती हैं। तो शायद ये संवेदनशीलता के खत्म होने की एक निशानी है। तो इससे पहले कि ये संवेदनशीलता पूरी तरह से खत्म होने लगे, ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, या जो हमारी ये इस समय की पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी जो है, इसको नैतिक शिक्षा दी जाए, इसको मॉरल वैल्यूज से जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जाए, उन्हें बताया जाए कि महिलाओं के प्रति जो है, महिलाओं के प्रति ही नहीं बल्कि उन्हें दूसरों के प्रति, एक दूसरे इंसान के प्रति जो है वो एक सम्मान की दृष्टि रखनी है, एक समानता की दृष्टि रखनी है। ये महसूस करना है कि जो चीजें तकलीफ हमें देती हैं वो सामने वाले को भी उतनी तकलीफ देती हैं। साथ ही उन्हें ये भी सोचना है कि जो महिलाएं हैं वो भी इंसान हैं, है ना। हम लोग ये सोचना भूल जाते हैं कि उनको उनका आत्मसम्मान जरूरी है, उनकी ग्रोथ जरूरी है। और जब भी कोई चीजें होती हैं, जैसे इस वक्त भी हो रहा है, ये समय चल रहा है, तो जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी उन्हें तकनीकें सिखाई जा रही हैं, उसके लिए हम देख रहे हैं कई छात्र छात्राएं यहाँ जो हैं, जिनके वीडियो ऑन है, वो हमें खुद ही इतनी सीरियस नहीं लग रहे हैं उस चीज को लेकर के, कि इस चीज का महत्व क्या है, वो इस चीज को समझ ही नहीं रहे। उनके लिए क्या है कि शाम को 5 से 6 बजे एक हमारा सेशन होगा, जिसमें हमको कह दिया गया है कि हमें ऑनलाइन रहना है और हम ऑनलाइन जुड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप जब तक इस चीज को सीखेंगे नहीं, ये चीज आपके लिए है, और आप सीरियसली अगर इस चीज को सीखेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? आपको पता नहीं आज का समय कैसा है, या समय का परिवर्तित होते देर नहीं लगती है। तो आपको खुद अपनी सुरक्षा के प्रति जो है वो चिंतित होना पड़ेगा। सबसे पहले तो गर्ल्स को खुद अपनी मेंटालिटी में जो है ये चेंज लाना होगा कि दूसरे के साथ हो गया या दूसरे के साथ कुछ हो रहा है तो हम क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, झांक कर देखते हैं कि अरे अरे फला के साथ ऐसा हो रहा है, और ऐसा करके हम वापस चले जाते हैं। वो फला कभी कोई अपना भी हो सकता है, ये हम नहीं सोचते हैं। और तब समय पे जब कोई हमारी मदद नहीं करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो ये किस चीज का हास है? ये आपके नैतिक मूल्यों का हास है कि आप अपने प्रति तो सोच रखते हैं पॉजिटिव, लेकिन दूसरे का दुख या दर्द जो है वो आप महसूस नहीं कर पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरी चीज, जितने सारे मॉरल वैल्यूज के लेसन्स जो हैं वो लड़कियों को, जो गर्ल्स को, महिलाओं को, बालिकाओं को सिखाए जाते हैं, बिल्कुल बराबरी में जो है वो बालकों को भी सिखाए जाने चाहिए, छात्रों को भी सिखाए जाने चाहिए। उन्हें बताया जाना चाहिए कि आप बराबर हैं, आप इक्वल हैं। अगर कई यहाँ भी वीडियो में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे परिवार के सदस्य भी जो हैं वो जुड़े हुए हैं, तो अगर वो सुन रहे हैं मेरी बात, इस बात को ध्यान रखें कि जब आप ये कहते हैं कि हमारे लड़के को अच्छी खुराक की जरूरत है क्योंकि उसे शक्तिशाली बनना है, लड़कों को बलवान होना चाहिए, तो आप ये सोच रखें कि लड़कियों को भी शक्तिशाली बनना है, उन्हें भी बलवान होना है। आखिर वो भी आपका घर चलाती हैं, आपका पूरा परिवार जो है वो सिर्फ पुरुषों के बल पे नहीं चलता है, महिलाओं के बल पे भी चलता है ना। तो जब आपके घर में एक गिलास दूध है तो वो अपने बेटे को देने से बेहतर है कि आप अपने बेटे और बेटी दोनों में बराबर बांटें, अपने बेटे को ये सिखाएं कि ये तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसे उतना ही रिस्पेक्ट देनी है कि जितना कि ये तुम्हारा भाई होता तब तुम इसे रिस्पेक्ट देते। तुम्हें इसकी सुरक्षा भी करनी है और तुम्हें इसका ध्यान भी रखना है, और तुम्हें सिर्फ इसका ध्यान ही रखना है, बाहर आने जाने वाली जो लड़कियां हैं उनका भी तुम्हें ध्यान रखना है ना।
ये सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हमारे घर में तो हम उन चीजों को मानते हैं कि ठीक है कि मेरे घर के किसी सदस्य के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और बाहर जाते ही जो है वो बॉयज का एटीट्यूड पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो जब आप नहीं चाहेंगे कि आपके घर की किसी महिला के साथ कोई अभद्र व्यवहार करे, तो आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको भी बाहर उतनी ही रिस्पेक्ट देनी होगी महिलाओं को, है ना। और कुछ जगह तो घर में ही महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, या कहीं दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो क्या होता है कि हम आसपास ये चीजें देख रहे होते हैं, लेकिन उससे रोकने के लिए हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि मैं हमेरा क्या मतलब है इस चीज से। लेकिन ये जो बुराइयां हैं, ये बुराइयां अगर आप इसी तरीके से छोड़ देंगे तो ये लगातार आपकी बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो कुछ मानसिकताएं जो मैं चाहूंगी हमारी जो गर्ल्स जुड़ी हुई हैं, जो बॉयज जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग इस चीज को देखें, समझें और आगे इस बात को कैरी फॉरवर्ड करें, लोगों को समझाएं और बताएं कि नैतिक मूल्यों का विकास करें, डेफिनेटली अपने अंदर अच्छाई और बुराई क्या है इसको समझें, और इस बात को समझें कि किसी को दुख देने में आपको किसी भी तरीके से कभी आगे जाके कोई सुख नहीं मिलने वाला है ना, किसी भी तरीके से। जनरली क्या होता है कि हम देखते हैं जो लड़कियों के खिलाफ जो खास तौर से अपराध होते हैं, उसमें क्या होता है, बॉयज का ईगो सेट हर्ट हुआ और वो तुरंत जो है उस पर रिएक्ट करना शुरू करते हैं। अब देखने की बात यह है कि उनके दोस्त ने उन्हें चार तमाचे मार दिए और वो घर चले जाएंगे रोते हुए वापस, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है, हो सकता है कल ये चार और लड़कों को लेके आए और हमें पीट पाट दे, हाथ पैर टूट जाए हमारे, ठीक है। तो कई बारी वो रिएक्ट नहीं करेगा उस चीज को लेके, लेकिन यही अगर किसी लड़की ने किसी बात को लेके चांटा मार दिया तो तुरंत उनका ईगो ऐसे हर्ट होता है कि भला एक लड़की ने जो है वो मुझे कैसे चांटा मार दिया, और उन्हें लगता है ये तो सॉफ्ट टारगेट है, इनको तो हम किसी भी वक्त जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वो अलग अलग तरीकों से जो है कभी उनके ऊपर एसिड अटैक कर देंगे, कभी जो है रेप अटेम्प्ट करेंगे उनके ऊपर, कभी उनके साथ मारपीट करेंगे, तो इस तरह की हरकतें करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि लड़कियां पलट के जवाब नहीं दे पाएंगी। तो अगर हम इस स्थिति को रोकना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये चीजें सिखानी होंगी लड़कियों को कि हमें पलट के जवाब देना है, जो आज तक हम सीखते आ रहे हैं कि अरे किसी ने कुछ कह दिया, ध्यान मत दो, छोड़ो, बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें ये उनको शिक्षा देनी होगी कि नहीं, अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आपको पलट के जवाब देना है, और आप पलट के जवाब दें और उस काबिल बने। ऐसा नहीं है कि अभी इतने कमजोर हैं आप कि आप पलट के जवाब देना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास उतनी ताकत ही नहीं है, तो अपने आप को इतना मजबूत बनाइए। जैसे चारक सर ने भी कहा कि आपको जितने भी उन्होंने पोस्चर्स बताए, जितनी भी डिफरेंट टेक्निक्स बताई हैं, ये सारी आपकी तभी कारगर होंगी जब आपके अंदर उनको प्रयोग करने की ताकत होगी, उनको प्रयोग करने की क्षमता होगी, है ना। तो अपने अंदर जो है क्या लाइए, आप अपने आप को अच्छे लगने चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या कह रहा है, कि सामने कि आप दुबले पतले हो जाओ तो आप बड़े खूबसूरत लगोगे, लेकिन आपको खूबसूरत लगने के साथ उस खूबसूरती का बचाव भी करना है, अपनी सुरक्षा भी करनी है। तो आपको एक ऐसी खूबसूरती की जरूरत है जो मन की हो, तन के साथ साथ आपका मन भी सुंदर हो, आपका तन सुंदर हो, और आप कैसे हो, शक्तिशाली भी हो। जब ये नवरात्र का समय चल रहा है, जब हम शक्ति की आराधना करते हैं, दुर्गा जी की आराधना करते हैं, माँ काली की आराधना करते हैं, उस वक्त हम ऐसा सोचते हैं कि जब हम किसी मुश्किल में हों तो ईश्वर आके हमारी मदद करे, या कोई और दुर्गा या काली का रूप धारण करके आ जाए हमारी मदद करने के लिए। तो हमें खुद में अपने अंदर की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है कि समय पे हम दुर्गा या काली बने और खुद की भी मदद करें और दूसरों की भी मदद करें। तो लड़कियों के लिए तो डेफिनेटली ये लेसन है कि उनको अपनी जो है फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए, उन्हें उस चीज के लिए काम करना चाहिए। जितना वो ये देखती हैं कि हम दुबले पतले लगे हैं, जैसे सर ने भी बोला था, जीरो फिगर लगे, जीरो फिगर लग के आपको क्या करना है, आपको इतना आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए आपके अंदर कि आप अपनी रक्षा सुरक्षा कर सके। एक इंसान होने के नाते ईश्वर ने आपको ये शरीर दिया है तो इसकी रक्षा सुरक्षा का जिम्मा आप ही को दिया है कि आप अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाएं, आपको बुद्धि दी गई है कि आप उसका कैसे उपयोग करें, लोगों के भुलावे में ना आए, झांसे में ना आए और सही गलत की पहचान कर सकें। ये तो था लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए ये है कि
आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो चीज आप दूसरे के साथ, दूसरे किसी फैमिली मेंबर की लड़की के साथ आप कर रहे हैं, वो खुदा ना खास्ता कभी भी पलट कर आपके साथ आ सकती है ना? तो और सिर्फ इस डर से नहीं कि हमारे साथ हो जाएगा, बल्कि इंसान होने के नाते आपको ये देखना है कि आपको सामने वाले के साथ कैसा व्यवहार करना है। आपको अगर गुस्सा आ रही है तो आप अपनी गुस्सा किसी पंचिंग बैग पे उतारिए। लड़कियां वो पंचिंग बैग नहीं है जहां पर आप अपनी गुस्सा उतारें, आप अपना ईगो सेटिस्फाई करें। ये बात लड़कों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मेरे ख्याल से तो जिस तरह से गर्ल्स के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, इसी तरीके से बॉयज के लिए मेंटल स्ट्रेंथ के प्रोग्राम्स भी जरूर चलाए जाने चाहिए, जहां उनकी काउंसलिंग की जाए, जहां उन्हें ये समझाया और बताया जाए कि अगर कोई आपको ना कहता है, अगर आपकी ईगो को हर्ट करता है, तो आप मानसिक रूप से इतने मजबूत बनिए कि आप उस चीज को सहन कर सकें, कि आप तुरंत उस पे रिएक्ट ना करें, आप वायलेंटली उस चीज पे रिएक्ट ना करें और इतने कमजोर ना बन जाएं कि एक क्षण भर की जो गुस्सा है आपकी, वो आपको इंसान से हैवान में जो है वो बदल दे। तो इसके लिए डेफिनेटली बॉयज की भी एक जो है वो मेंटल हेल्थ को लेके काउंसलिंग जरूर होनी चाहिए। और इस तरह के प्रोग्राम्स जो चलाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, निसंदेह ये कहीं ना कहीं जो है वो अपना एक इम्पैक्ट छोड़ेंगे। अगर 10 लोगों ने देखा और एक भी इससे प्रभावित होता है, तो कम से कम एक में तो सुधार आया, इस बात का ही जो है वो हमें संतोष रहेगा कि कम से कम एक तो उसे बदल सका। तो दूसरी चीज ये भी आती है आपके साथ में कि आपको जो अपनी कथनी और करनी है उसमें भी एक सार्थकता लानी होगी, क्योंकि कई बार होता है कि हमसे कहा जाता है कि आपको इस विषय पे बोलना है और आप जगह जगह से चीजें इकट्ठी करते हैं और उनको बोल देते हैं, लेकिन उनको बोलते हैं और कितना मानते हैं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सामने कहना कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और पलटते ही आप बुरी तरीके से व्यवहार करें, तो ये जो है सभ्य समाज नहीं है, ये दिखावा है। फिर तो आप सिर्फ एक बुरे इंसान नहीं, आप एक बहुत बुरे और चतुर इंसान हैं जो अपने आप को गलत तरीके से प्रोजेक्ट करना जानता है ना? और ऐसे लोगों से तो और भी बच के रहना पड़ता है। तो ध्यान देना ये है कि आपको एक ह्यूमन बीइंग की तरह वर्क करना है, बस अपने आप को इंसान बनाने पर जो है आपको जोर देना है। और इंसानी खूबियां जो है वो क्या है वो तो सभी को पता है, दया, करुणा, प्रेम, परस्पर सहयोग, ये इंसानी क्वालिटीज हैं और आप इनको ना छोड़ें, प्लीज आप इनको ना छोड़ें। और कुछ भी गलत करते समय अगर आप एक बार इन सारी चीजों को अपने मन में लाते हैं, अगर एक बार अपने आप को आप एनालाइज करते हैं या थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को रोक लेते हैं, तो आप कुछ एक बहुत बड़ा गलत करने से अपने आप को रोकेंगे। जब आप गलत करते हैं किसी के साथ तो बुरा उतना ही आपका भी हो रहा होता है, लेकिन यह है कि उस वक्त दिमाग में आती नहीं है ये चीजें। जब एक कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस अपराध की सजा वो नहीं पाता है, उसका पूरा परिवार पाता है उस अपराध की सजा। तो कुछ ऐसा करने से पहले ही आप अपने आप को रोकें, इतना आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाएं। ये मैं खास तौर से बॉयज के लिए कह रही हूँ कि जो भी बॉयज हैं वो इस बात को सुने और अपने संगी साथियों को भी बताएं कि सिर्फ शारीरिक रूप से बलवान होना ही जरूरी नहीं है, मानसिक रूप से बलवान होना भी बहुत जरूरी है कि आप जो परिस्थितियां आ रही हैं आपके सामने, आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आप अगर इंसान बने रह सकते हैं विषम परिस्थितियों में, तो ये आपके लिए सच में गर्व की बात होगी। अपने से कमजोर पे या जो शारीरिक रूप से इतना सक्षम नहीं है, आप उसको तुरंत फिजिकली रिएक्ट कर दें, ये तो बहुत आसान सा काम है, ये कौन नहीं कर सकता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन उस समय को रोकें, आप अपने आप को संभलें, सिचुएशन को समझ के उस पे रिएक्ट करें। ये काम जो इंसान करता है वो वास्तव में शक्तिशाली होता है, जो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल सही समय पे कर सके। तो बॉयज के लिए मैं बार बार, मैं बॉयज का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि गर्ल्स को तो हम हमेशा सिखाते ही रहते हैं और वो बचपन से सीख ही रही हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि बॉयज को सिखाना जो है वो बहुत जरूरी हो गया है। तो इसलिए ज्यादा मेरा संबोधन जो था वो पुरुषों को लेके, बॉयज को लेके, छात्रों को लेके, बालकों को लेके है कि उन्हें जो है अब समझने की जरूरत है। और हम हमेशा इस तरह के समस्याओं में, अपराधों के बाद जो है वो कानून का मुंह ताकने लगते हैं। हमें सामाजिक रूप से भी तो सक्षम होना होगा,
हम देखते हैं कि जो कोई अपराधी है, इस तरीके का कोई रेप विक्टिम है, तो क्यों नहीं उस परिवार की महिलाएं उसको जो है उस घर से निष्कासित करती हैं? क्यों नहीं वो कहती हैं कि एक ऐसा अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति, ऐसी रुग्ण मानसिकता का व्यक्ति जो है वो मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता? क्यों वो वकील करती हैं? क्यों उनकी पत्नियां, क्यों उनकी माएं, क्यों उनकी बहनें, क्यों उनकी बेटियां उनको सपोर्ट करती हैं? तो एक महिला होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है, डेफिनेटली आपकी अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी समाज के प्रति भी जिम्मेदारी है, आपकी दूसरी महिलाओं के प्रति भी जिम्मेदारी है, आपकी सत्य के प्रति भी जिम्मेदारी है। और अगर ये चीज महिलाएं समझ लें, महिलाएं क्या पुरुष भी समझ लें, तो ये काफी कुछ जो है, काफी हद तक जो है वो चीजें बदली जा सकती हैं समाज में। तो सिर्फ कानूनी रूप से नहीं, हमें सामाजिक रूप से भी जो है अपने आप को बदलना होगा, हमें मानसिक रूप से अपने आप को बदलना होगा, हमें भावनात्मक रूप से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा, शक्तिशाली करना होगा। बॉयज ध्यान से सुने इस बात को कि किसी के कहे हुए शब्द जो है आपको इतना अपने ऊपर आप ना लें कि उसको आप बुरी तरीके से रिएक्ट करें। किसी का कोई भी आपको तब इतना हर्ट नहीं कर सकता है कि आप जो है पलट के सामने वाले को बुरी तरीके से उसके साथ हिंसकता दिखाएं या विभत्सता दिखाएं, तो ये कहीं ना कहीं आपको भी खत्म कर देती है। भले ही आप जीवित हो, आपका आपका शरीर जीवित हो, लेकिन आपकी आत्मा मर जाती है कहीं ना कहीं उसी वक्त जब आप किसी एक व्यक्ति के साथ कुछ भी गलत करते हैं। तो इसी तरह की जो मैंने कहा कि इस तरह की चीजें अगर आप सोचेंगे समझेंगे, लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है, ये इस चीजों को समझने और सोचने में एक समय लगता है। कहते हैं जैसे एक जब आप एक बीज बोते हैं तो उसको एक पेड़ बनने में समय लगता है, तो अभी वो समय है जब वो बुराई का पेड़, उस संवेदनहीनता का, उस हिंसकता का पेड़ जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है और उसने अपनी जड़ें बहुत फैला दी हैं। तो उसके विरुद्ध जो हम एक जो है एक नया वृक्ष लगाएं, एक जो जिसमें इंसानियत, जिसमें नैतिकता, जिसमें प्रेम, सौहार्द, करुणा चीजें हों, तो उसके लिए जरूर समय लगेगा, लेकिन हम सबको मिलके कोशिश करनी होगी। हम किसी दूसरे का मुंह ना ताकें, हम अपने घर से शुरुआत करें उस चीज की। हम अपने घर के पुरुषों को, हम अपने घर की स्त्रियों को और खुद को जो है वो सक्षम बनाएं, तब जो है वो हम एक अच्छे समाज की रचना कर सकते हैं। क्योंकि कानून जो है वो सिर्फ रोक लगा सकता है कि उसकी सजा दे सकता है, लेकिन अगर हम अपराध को, मूल प्रवृत्ति को नष्ट करना चाहते हैं, तो हम उसको सामाजिक रूप से जो है उस विचारधारा को बदलना होगा, और इस तरह की विचारधारा को बदलने में समय लगता है और बहुत ही शक्ति लगती है। तो उम्मीद है, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो आने वाली जेनरेशन है उसमें इतनी सहनशीलता, इतनी शक्ति है और इतनी मॉरेलिटी है, इतनी ह्यूमैनिटी है कि वो जो अपने आसपास होने वाली गलत चीजें हैं उनका विरोध कर सके। कहते हैं कहना नहीं चाहिए, मगर एक मन में ये बात आ जाती है कहीं ना कहीं कि इस तरह के अपराधों के प्रति बहुत सारी गोष्ठियां होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, और उन गोष्ठियों के बीच में ही न जाने कितने और सारे अपराध जो हैं वो हो रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो ईश्वर करे जल्दी ही हम इस प्रकार की जो मानसिकता फैल रही है, दूषित मानसिकता फैल रही है, इससे जल्द से जल्द जो है हम सब निजात पाए। इस नवरात्र के अवसर पर माता रानी से हमारी प्रार्थना, और मैं चाहूंगी कि आप सभी ये प्रार्थना जो है वो अपने हृदय से करें कि ईश्वर हमें इतनी शक्ति दे कि हम जो है वो इंसान बने रहें और इंसानों की तरह व्यवहार करें, और जो इंसानों की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक इंसान बनने के लिए ईश्वर ने हमें इस धरती पे भेजा है, तो हम वो बन के रह सकें। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हिंदू माइथोलॉजी में कहा भी जाता है कि इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है, तो उम्मीद करते हैं कि हम अपनी उस दुनिया के लिए अच्छी यादें इकट्ठी करें, जब जाएं तो हम किसी से मुंह ना छुपाना पड़े। तो इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं, और उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक अगर छोटी सी भी रोशनी की किरण जो है लोगों के मन में जले, या इस कोई अच्छे विचार आए, तो चीजें सफल होती नजर आएंगी। इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को नमस्कार करती हूँ, और एक बार फिर से सभी को नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। जैसा कि गीतांजलि मैम ने, इस नवरात्रि में हम शक्ति की पूजा करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, और उस शक्ति
पर इतना विश्वास है कि ये मानते हैं कि वो शक्ति हमारी बातों को सुन भी रही है और हमारी इच्छाओं को पूर्ति भी पूर्ण भी कर रही है। लेकिन शायद वर्तमान परिस्थितियाँ, वर्तमान समाज, वर्तमान दशाएं कुछ ऐसी विषमताओं में फंसी हुई हैं, ऐसी दुर्भावनाओं में फंसी हुई हैं कि शायद आज हमें उसी मात्र शक्ति, उन्हीं बालिकाओं के लिए ये कदम सरकार के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा उठाना पड़ रहा है कि उसके प्रति वो जागरूक हो सकें, अपने प्रति जागरूक हो सकें, अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सकें। जैसा कि इतिहास में भी वर्णित है, ऋग्वेदिक में हम मातृसत्तात्मक राज्य की तरफ चलते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ में धीरे धीरे जब पितृसत्तात्मक राज्य आया तो शायद वहीं से महिलाओं को दबाने की, यानी यूं कहा जाए कि उनको धीरे धीरे उनको अपनी इच्छाओं को मारने की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई। लेकिन वर्तमान में शायद इच्छाओं को मार के नहीं, इच्छाओं के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी व अपने समाज की, सुंदर समाज की संरचना के लिए हमें दोनों ही, चाहे पुरुष वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे छात्र छात्राएं, बालक बालिकाएं हो, सभी को एक साथ आने की जरूरत है। सभी को उस विचारधारा के साथ, स्वस्थ मानसिकता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गीतांजलि मैम का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपने सुंदर उद्बोधन से सभी छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन प्रदान किया। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये मौका देने के लिए, धन्यवाद सर। हम कार्यक्रम के इस अंतिम बेला में, जैसा कि आप सभी को विदित है कि किसी भी कार्यक्रम की पूर्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हमारे अतिथियों का और हमारे आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित ना हो, तो इसी कार्यक्रम की अंतिम बेला में मैं अपने हिंदी विभाग के डॉक्टर प्रमोद सर को निमंत्रित करता हूँ कि आए और इस कार्यक्रम की अंतिम बेला में धन्यवाद ज्ञापन कर इस कार्यक्रम को समापन की अंतिम चरण में ले जाएं। डॉक्टर प्रमोद यादव सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आवाज मेरी मिल रही? बिल्कुल सर, आ रही है जी। धन्यवाद। मिशन शक्ति कार्यक्रम के आज दूसरे दिन के दूसरे सत्र में जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हमारे महाशिक्षाएं हैं और जो अभिभावक वर्ग हैं, जो भी दो चरणों में जो जानकारियां प्रदान की गई है, निश्चित रूप बहुत ही लाभदायक है, ज्ञानवर्धक है और उसकी उपादेयता जो है कि आने वाले जीवन में जब भी आपातकाल परिस्थितियों का सामना करना होगा तो ये सब उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। पहले चरण में जहाँ डॉक्टर चारक सर ने जो है मार्शल आर्ट की विभिन्न स्टेप के द्वारा बताया कि कैसे जो है हमारे समाज की बालिकाएं हैं वो अपने आप को जो है विपरीत परिस्थितियों में जो है अपने आत्मसम्मान की, अपनी स्वयं की सुरक्षा कैसे कर सकती है, बहुत ही लाभदायक चरण हो रहा। जबकि दूसरे चरण में जो व्याख्यानमाला प्रस्तुत की गई है बालिका महिला सुरक्षा सम्मान में अंग्रेजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर सिन्हा मैम ने बहुत ही सारगर्भित तरीके से और विस्तार पूर्वक जो प्रकाश डाला है, निश्चित रूप से मैं तो ये कहूँगा कि समय का पता ही नहीं चला। जैसे ऐसे लग रहा था कि मैम बोलती रहे जो है और तमाम जो है जानकारियाँ हम लोग साझा करती रहे, बहुत अच्छा और सुंदर था। उसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब ये कार्यक्रम अपने समापन की ओर है तो मैं आभार प्रकट करने के क्रम में सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के है डॉक्टर चारक सर का जो है जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि कार्यक्रम को उन्होंने जो है किस रूप में सिरोया है और जो दो सेशन में जो है आयोजित करके जो है उसकी उपायदेता उन्होंने बढ़ाई है, हमारे छात्राओं का मनोबल बढ़ाया है और उन्हें जो ज्ञान मिल रहा है यहाँ से वो निश्चित रूप से उन्हें जो है काम आने वाला है, तो उनका बहुत बहुत आभार। इसके अलावा डॉक्टर सालीम सर जो अंग्रेजी विभाग के हेड हैं, आपके अथक परिश्रम की वजह से ही सर जो है ये कार्यक्रम जो है डिजाइन हो पाया है और आप शिल्पकार हैं एक तरह से जो है कार्यक्रम के, मैं आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ सर। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे महाविद्यालय के बहुत सारे अध्यापक साथी प्राध्यापक रहे हैं, डॉक्टर प्रकाश सक्सेना मैम है, डॉक्टर प्रांजल शाही जी हैं और
दीपक सर जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से है, बहुत ही अच्छे तरीके से कार्यक्रम का संचालन उन्होंने किया है और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी सर्वोच्च और अपरोच जो प्रतिभागी पर हैं सभी का जो है मैं हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सभी अतिथियों को धन्यवाद किया और हम समझते हैं कि आज के कार्यक्रम में जैसे शालीन सर, गीतांजलि मैम, अजीत सर, बरखा मैम, प्रांजल शाही जी और सभी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का फिर से एक बार धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और मैं अजीत सर से अनुरोध करता हूं कि क्या कोई यदि सूचना है तो सूचना जी सर कल चुके मॉर्निंग सेशन में हम लोगों ने इन छात्राओं के लिए विशेषकर स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन के ऊपर एक लेक्चर के लिए अपने अतिथि को आमंत्रित किया है। तो जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबसे मेरा अनुरोध है कि मॉर्निंग सेशन कल 10 से 10:30 केवल आधे घंटे का होगा, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप समय से जुड़ें और उसका लाभ उठाएं, क्योंकि क्या खाना चाहिए, कैसे आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसे जी जा सकती है और न्यूट्रिशन में बड़ा क्या केयर है, क्या कुछ योग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें करेंगे हमारे जो एक्सपर्ट होंगे। तो मेरा सभी से एक बार पुनः अनुरोध है कि ये सब आयोजन आप भी लोगों के लिए हम लोग आयोजित कर रहे हैं, आप अपनी एक्टिव सहभागिता बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, बच्चों को बताएं कि आप वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हों, कुछ न कुछ चीज उनको सीखने को नहीं मिलेगी। ऐसे मौके हर रोज या बार बार नहीं आते हैं, ये कभी कभी स्पेशल मुहिम सरकार द्वारा महाविद्यालय स्तर पर या अनेक अदर लेवल्स पर चलाई जाती है, इसलिए आपको इन सबका फायदा लेना चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना है और संभवतः आप सभी इस बात से सहमत भी होंगे। तो जो छात्र आज जुड़े हैं वो बहुत अच्छी बात है और उम्मीद है कि कल भी हमारे साथ होंगे, और जो आज नहीं जुड़ पाए हैं किन्हीं कारणों से मैं उनसे कहूंगा जो हमारे साथी इस समय जुड़े हुए हैं हमारे छात्र लोग छात्राएं, तो उन बच्चों से भी कहें कि वो भी जुड़ें और सेशन का लाभ जरूर लें। तो कल सुबह 10:30 वाला जो 10 से 10:30 का प्रोग्राम है सुबह 10 बजे आपसे मुलाकात करेंगे और शाम का सेशन कल जो आज हमने छोड़ा है यहाँ से उसके आगे कैरी करेंगे, आगे चलेंगे। जी दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अपने होस्ट से अनुरोध करेंगे कि इस जूम के जो इस समय चल रहा है कार्यक्रम इसको समाप्त कर दें। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः इसी प्रत्याशा के साथ कि कल सुबह फिर मुलाकात होगी। सभी को नमस्कार।